हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज आज तारीख हो चुकी है 20 नवंबर 2022 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2023 को लेकर इसके साथ ही आईपीएल के सभी टीमों के रिगार्डिंग काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं। तो उन सभी अपडेट्स को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में कर लेते हैं। और ये अपडेट निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल के नीलामी से पहले जो ट्रेड विंडो हमने देखी थी, उस ट्रेड विंडो में हमें काफी एक्टिव नजर आए थे और इस टीम ने काफी सारी ट्रेड की थी, जहां पर इस टीम ने गुजरात टाइटंस की टीम के साथ 2 ट्रेड की थी। उसके बाद इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की टीम से शार्दुल को ट्रेड किया था और उसके बाद इन्होंने अपनी टीम से भी एक प्लेयर अमन खान को दिल्ली कैपिटल्स की टीम में ट्रेड कर दिया था। तो इस तरीके से इन सभी ट्रेड के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के पास अब बहुत ही कम बैलेंस बचा है। वैसे तो इनकी टीम का जो अब कॉम्बिनेशन है वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस बार नीलामी में ये टीम काफ़ी कम पैसे लेकर उतरने वाली है। तो ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की साइड से रिपोर्ट्स हैं कि ये टीम वेंकटेश अय्यर को भी रिलीज़ करने वाली है। दरअसल अब तो ये इनको रिलीज़ कर नहीं सकते क्योंकि रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट ऑलरेडी आउट हो चुकी है, लेकिन ये इनको अभी भी रिलीज़ कर सकते हैं अगर ये इनको ट्रेड करना चाहते हैं। तो ऐसे में ESPN पे एक इन्फो के हवाले से खबर है कि वेंकटेश अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से आपको रिलीज़ होते हुए देखने को मिल सकते हैं, और ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि KKR के बैलेंस पर्स को बढ़ाया जा सके। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये अपडेट निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के रिगार्डिंग। अब RCB AB de Villiers को इतने बार मेंशन कर चुकी है कि हर बार वो कुछ ना कुछ नया स्टेटमेंट देते रहते हैं AB de Villiers के रिटर्न के बारे में, और कल भी इन्होंने सेम स्टेटमेंट दिया, जहां पर इनकी साइड से जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि AB de Villiers जल्दी ही बेंगलोर में रिटर्न करते हुए नजर आएंगे और इसकी अनाउंसमेंट भी होने वाली है। तो क्योंकि अब ये इससे पहले भी सेम चीज कई बार रिपीट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें यह नहीं बताया गया है कि AB de Villiers का RCB की टीम में रोल क्या रहने वाला है, तो आप लोग इनके स्टेटमेंट को खुद ही डिसाइफर कर सकते हैं। फिलहाल गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये अपडेट निकल कर आ रही है भारत की कैप्टनसी के रिगार्डिंग। अभी तक तो आप लोगों को बात पता चल ही गई होगी कि स्प्लिट कैप्टनसी आपको भारत के अब T20 फॉर्मेट और उसके साथ ही टेस्ट और ODI में देखने को मिलने वाली है, जहां पर T20 फॉर्मेट में हार्दिक पांड्या आप लोगों को भारत की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं लिमिटेड ओवर यानी कि अगर हम बात करें ODI क्रिकेट की और उसके साथ ही अगर हम बात करें टेस्ट फॉर्मेट की, तो यहां पर अभी के अकॉर्डिंग हमें रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब रोहित शर्मा की जो कप्तानी थी उसमें भारत की टीम सेमीफाइनल में हार गई, तो काफी ज्यादा रोहित को ट्रॉल किया जा रहा है। शायद इसका रीजन ये भी है कि उनकी फॉर्म थोड़ी सी अभी ऊपर नीचे चल रही है, और फैंस के अकॉर्डिंग विराट कोहली को वापस से टेस्ट फॉर्मेट का कैप्टन बना देना चाहिए, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट में विराट की कप्तानी में भारत का रिकॉर्ड बहुत ही खतरनाक रहा था। बल्कि अगर हम ये कहें कि विराट कोहली टेस्ट फॉर्मेट में भारत के आज तक के बेस्ट कैप्टन है, तो शायद उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। तो ऐसे में फैंस के अकॉर्डिंग टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली, ODI में रोहित शर्मा और उनके साथ ही T20 फॉर्मेट में हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया जाना चाहिए। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोग इस डिबेट से सहमत हैं या फिर नहीं। फिलहाल गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के रिगार्डिंग, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को एक बहुत ही तगड़ा झटका लग चुका है। जहां पर इस नीलामी से पहले जब रिटेन्ड और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट आउट हुई थी, तो वहां पर CSK की टीम ने अपनी टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नारायण जगदीशन को इस बार रिलीज कर दिया था। और अगर आप लोगों को याद हो तो इन्होंने CSK की साइड से कुछ मुकाबले भी खेले थे जिसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो ऐसे में नारायण जगदीशन अभी करेंटली हमें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और विजय हजारे ट्रॉफी में 4 मुकाबलों में ये 4 शतक लगा चुके हैं, जिसके बाद अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि CSK की टीम को वैसे भी मिडिल ऑर्डर में काफ़ी सारे बल्लेबाजों की इस बार ज़रूरत पड़ने वाली थी, और नारायण जगदीशन अगर ये रिटेन कर लेते तो फिर CSK की दिक्कतें खत्म हो जाती, क्योंकि जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ ने CSK की टीम में ग्रो किया था, उसी तरीके के सिमिलर बैट्समैन नारायण जगदीशन भी हैं। तो अब देखने वाली बात होगी क्या इस बार IPL की नीलामी में हमें CSK वापस से इनके पीछे जाते हुए नजर आएगी या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये अपडेट निकल कर आ रही है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में होने वाले दूसरे T20 मुकाबले के रिगार्डिंग, जहां पर पहला T20 मुकाबला हमें बारिश के चलते रद्द होता हुआ नजर आया था, और दूसरा मुकाबला हमें आज दिन में 12 बजे से स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। अब 12 बजे से वैसे तो इसकी प्री अज्यूम टाइमिंग है कि इतने बजे से मुकाबला स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूजीलैंड में बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, मौसम काफ़ी ख़राब रहता है, तो इस मुकाबले पर भी बारिश की मार पड़ने वाली है, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश की उम्मीद है। करीब 80% की उम्मीद बताई जा रही है कि यहाँ पर हमें बारिश देखने को मिलेगी। तो अगर इतनी ज़्यादा बारिश हमें देखने को मिलती है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि या तो ये मुकाबला बारिश से धुल सकता है, या फिर ये हो सकता है कि डकवर्थ लुईस से हमें कम ओवर्स का मैच देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में, और गाइस ये अपडेट निकल कर आ रही है पंजाब
पंजाब किंग्स की टीम के रिगार्डिंग, जहां पर पंजाब किंग्स की टीम ने आईपीएल की नीलामी से पहले अपनी टीम से काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स को रिलीज़ कर दिया था। और इन्होंने ऐसा पहले भी बताया था कि ये ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको बैलेंस पर्स की ज़रूरत है, और हर साल की तरह इस साल भी पंजाब किंग्स की टीम हमें सेकेंड हाइएस्ट बैलेंस पर्स लेकर नीलामी में उतरते हुए नजर आएगी। वैसे लास्ट ईयर इनकी टीम को देखकर यही लगा था कि ये इनकी टीम अगले काफ़ी सालों तक हमें सेम देखने को मिलेगी, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ और पंजाब किंग्स की टीम ने वही किया जो कि ये हर साल करते हैं, यानी कि अपने काफ़ी प्लेयर्स को इन्होंने टीम से रिलीज़ कर दिया। तो खैर, इनमें से एक ऐसे प्लेयर थे मयंक अग्रवाल, जो कि काफ़ी एक मझे हुए बल्लेबाज हैं और ऐसे में काफ़ी सारी आईपीएल टीमें उनको टारगेट करने वाली हैं, लेकिन अब पंजाब किंग्स ने क्लियर किया है कि मयंक अग्रवाल को रिलीज़ करने का उनके पास कोई भी स्ट्रांग रीज़न नहीं था। हालांकि वो मयंक अग्रवाल को कप्तानी से हटाना चाहते थे, लेकिन मयंक अग्रवाल को चाहते तो रिटेन भी कर सकते थे, लेकिन फिर मयंक अग्रवाल को रिटेन करने में उनका बैलेंस पर्स ऑलमोस्ट आधा रह जाता, और ऐसे में पंजाब किंग्स की टीम नहीं चाहती थी कि वो कम बैलेंस पर्स लेकर नीलामी में जाएं। इनके अकॉर्डिंग मयंक अग्रवाल के ऊपर इस बार उतनी भी बड़ी बिडिंग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं जितने कि इन्होंने लास्ट बार उनको रिटेन किया था। तो ऐसे में मयंक अग्रवाल को वापस से नीलामी में भेजकर वापस से खरीदना चाहते हैं, और ऐसा शायद कर भी लेंगे अगर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मयंक अग्रवाल को टारगेट नहीं करती है, तो फिर काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि पंजाब किंग्स की टीम उनको खरीद लेगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में, और ये अपडेट निकल कर आ रही है बीसीसीआई के रिगार्डिंग, जहां पर गाइस बीसीसीआई ने अब जो पेमेंट होती है प्लेयर्स की उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिल रही थी। दरअसल इंटरनेशनल क्रिकेट में तो सब कुछ जल्दी जल्दी होता है, लेकिन जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है वहाँ पर हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और पेमेंट काफ़ी ज़्यादा डिले होती थी प्लेयर्स की। लेकिन अब इसी चीज़ को हटाने के लिए बीसीसीआई ने डिजिटलाइज कर दिया है सारे प्लेटफॉर्म को, यानी कि प्लेयर्स की सैलरी को डायरेक्टली मैच के दौरान ही क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिससे कि अभी तक हमें जितनी भी डिले देखने को मिलती है वो अब देखने को नहीं मिलेगी, और इससे डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी पेमेंट को रिसीव करने में, अब वो इस डिजिटल माध्यम से बहुत ही जल्दी और सीधे जब मैच होता है उसी दौरान अपनी सैलरी को ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट के बारे में, और ये अपडेट निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के रिगार्डिंग, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लास्ट ईयर हमने देखा था कि इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पूर्व कप्तान श्रेयस अय्यर को अपनी टीम में जोड़ा था, और उसके बाद श्रेयस अय्यर और उनके साथ ही इन्होंने अपने नए जो हेड कोच हैं उनकी एक जोड़ी भी बना दी है इस बार। तो ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की साइड से ये रिपोर्ट्स हैं कि ये श्रेयस अय्यर का एक तरीके से आखिरी मौका होने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर अय्यर की कप्तानी और उनके साथ ही बल्लेबाजी हमने कुछ ज़्यादा खास नहीं देखी थी केकेआर की साइड से। तो ऐसे में एक तरीके से इनके लिए भी अल्टीमेटम है कि अगर इस साल श्रेयस अय्यर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो फिर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम श्रेयस अय्यर को अपनी टीम से रिलीज़ कर देगी। दरअसल श्रेयस अय्यर लास्ट ईयर कुछ खास नहीं कर पाए थे, और ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम उनकी जो हिस्ट्री रही है उसमें वो काफ़ी कंसिस्टेंट टीम मानी जाती है। तो ऐसे में श्रेयस अय्यर के ऊपर अब एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस साल उनको वो सारे चेंजेस करने पड़ेंगे केकेआर में, वरना उनके खुद की जगह टीम में खतरे में पड़ जाएगी। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।